आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर बुलडोजर एक्शन और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। नगर के बाद अब अबरार नगर में कुकरेल नदी के किनारे 500 घर तोड़े जाएंगे। एलडीए ने घरों को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है और इनमें दो मस्जिद और एक मदरसा भी शामिल है जिस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। ये अतिक्रमण हटाने का जो एक्शन है वो लगातार लखनऊ में जारी है। इसके पहले अकबर नगर में बड़ी कार्रवाई हुई और अब अबरार नगर में भी चलेगा बुलडोजर। तो अकबर नगर में 2023 से ही ये कार्रवाई चल रही थी, अतिक्रमण था, इसको लेकर के सवाल भी किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार के पक्ष को माना और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अतिक्रमण अकबर नगर से खत्म हो चुका है और अब अबरार नगर में जो अवैध अतिक्रमण उसको हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो रही है। 500 ऐसे घर हैं जो अवैध रूप से बने हुए हैं, उनको हटाने का कार्य प्रशासन करेगा। इधर यूपी में सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अवैध कब्जा हटाने का कानून अब और ज्यादा सख्त हो जाएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू कानून में ये बदलाव होगा। 3 नोटिस पर कब्जा खाली करना अनिवार्य होगा। कब्जा खाली कराने का खर्च भी कब्जेदार का होगा, यानी कि बहुत ज्यादा जो सख्ती है वो बरतने की तैयारी है। यानी पहले जो कब्जा हटाया जाता था वो अथॉरिटी वो खर्च उठाती थी और इस बार जो नियम में संशोधन किया गया है उसके मुताबिक सिर्फ आपको 3 बार नोटिस दिया जाएगा और अगर 3 नोटिस के भीतर अगर आपने अवैध कब्जा खाली नहीं किया तो उसके बाद सीधे उसका ध्वस्तीकरण होगा और जो कब्जा हटाने में जो खर्च आएगा वो भी खुद उस अवैध कब्जेदार को ही भरना पड़ेगा जुर्माने के तौर पर। तो सिर्फ 3 नोटिस अब दिए जाएंगे, नियम और सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 नोटिस पर कब्जा खाली करना जरूरी होगा और अगर किसी प्रकार से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसके बाद खुद प्रशासन की टीम 3 नोटिस के बाद बुलडोजर चला देगी, यानी कि अवैध जो अतिक्रमण है उसको हटाने का कार्य किया जाएगा। कब्जा खाली कराने का खर्च कब्जेदार ही देगा। अवैध कब्जा हटाने का कानून और ज्यादा सख्त होगा। यूपी सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है अवैध कब्जा हटाने को लेकर, जो नियम कानून है उनको और सख्ती दी जाएगी। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अवैध कब्जे को हटाना, क्योंकि नोटिस के बाद भी लोग खाली नहीं करते, कई बार कोर्ट का भी रुख कर लेते हैं। ऐसे में उनको नोटिस 3 बार ही दिया जाएगा और उसके बाद उस एक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा और उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा अवैध अतिक्रमण को। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहली बार सत्ता में आए थे तब यूपी के हालात कैसे थे, कैसे अपराध चरम पर था, कैसे वीआईपी कल्चर की जमकर नुमाइश होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले माफियाओं के खिलाफ एक्शन और फिर बुलडोजर वाली कार्रवाई और अब वीआईपी कल्चर के खिलाफ आदेश। भीषण गर्मी के बावजूद उत्तर प्रदेश के हर शहर में योगी आदित्यनाथ की पुलिस मुस्तैद है और वीआईपी कल्चर के शौकीनों को चालान कटवा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूपी के वीआईपी कल्चर पर ये सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। सीएम योगी के यूपी में हार्ड हॉर्न और हूटर की आवाज खामोश हो रही है। सीएम योगी के एक फरमान से यूपी में रौब और रुतबे के शौकीन परेशान हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को वीआईपी कल्चर से निजात दिलाने का संकल्प लिया है और सीएम योगी के इस संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार एक्शन में है। यूपी के किसी भी जिले में चले जाइए, हर चौक चौराहे पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस चालान की कॉपी और कलम लिए तैयार खड़ी है। यूपी में शहर दर शहर हो रहे पुलिस की ये कार्रवाई रौब और रुतबे के शौकीनों की जेब पर भारी पड़ रही है। कहीं गाड़ियों में लगे सिंबॉलिक स्टिकर और काली फिल्मों को हटाया जा रहा है तो कहीं हूटर और हार्ड हॉर्न को हटाने की मुहिम चल रही है। सीएम योगी का आदेश साफ है तो पुलिस कर्मियों का एक्शन भी लाउड एंड क्लियर है। वाहन चालक कोई भी हो, कानून का उल्लंघन करने पर चालान थमाने की रफ्तार वही है। यूपी के अलग अलग जिलों में जी न्यूज की टीम पुलिस के एक्शन को नजदीक से देखने पहुंची। हम यूपी के सभी बड़े शहरों के पॉश इलाकों में पहुंचे, तपतपाती गर्मी में भी पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी करते नजर आए।
हालांकि वीआईपी कल्चर के आदि हो चुके कई लोगों को ये कार्रवाई नागवार गुजर रही है। जी न्यूज की टीम जब नोएडा पहुंची तो वहां पुलिस नियम तोड़ने वाली गाड़ियों का चालान कर रही थी। इस दौरान एक वाहन चालक भड़क गया और पुलिसकर्मी से बहस करने लगा। जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन ने जब गाड़ी चालक से सवाल पूछने की कोशिश की तो गाड़ी चालक ने जी न्यूज रिपोर्टर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। हाँ बताइए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तूने मुझसे पूछा था कि आपने मुझसे पूछा था, आपने आपको पुलिस ने रोका आपके रोष में, तूने मुझसे पूछा था बदतमीजी के तौर पर। मैं आपको गाड़ी का नंबर एक बार और दिखाता हूँ। इस तरह के बदतमीज लोग जो मीडिया के साथ जब इनको आवाज दिखाने की कोशिश करते, देखो अभी चढ़ा देगा ये गाड़ी जानबूझ के। मैं कौन, देखिए ये मैं आपको यहाँ पर इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा था और ये इस तरह के लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये एक ही घर में एक बुजुर्ग समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन दूसरा इस वक्त इस तरह से गाड़ियां चलाता है, रौंदने की कोशिश करता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ पर वो बात करते हैं। ये यूपी 16 DJ 6557 ये तस्वीरें यहाँ पर, ये बदतमीजी इस वक्त मीडिया वालों के साथ ये गाड़ी चढ़ाने को रेडी है और ऐसे ही लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस कल्चर को खत्म करने के लिए यहाँ पर वो अभियान चलाए हैं जिसको हम लगातार आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जो किसी को भी गाड़ी से रौंदने के लिए यहाँ पर तैयार रहते हैं। इस दौरान कई वाहन चालक गाड़ी में पार्टी का झंडा तो कई गाड़ी में हूटर और हार्ड हॉर्न लगाए घूम रहे थे। नोएडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी का चालान किया। इस वक्त दिल्ली पुलिस का वो स्टिकर लगा हुआ नजर आ रहा है लेकिन असल में अब यहाँ पर वो जो जांच होती है वो क्या था? सर आपकी गाड़ी है दिल्ली पुलिस ने? नहीं नहीं सर, तो वो स्टिकर आपकी गाड़ी पे दिल्ली पुलिस का लगा हुआ है? मेरे एक्चुअली मेरे चाचा जी की है और मैं नहीं लेके जाता हूँ। लेकिन सीट कवर सर आप इसी गाड़ी में ही है और सर कानून क्या कहता है? अगर इस वक्त हम समझे इन्होंने दिल्ली पुलिस का लगा लिया, चाचा किसी की गाड़ी है, अलाउड नहीं है। अब चाचा की गाड़ी कोई कैसे करेगा? तो कानूनन क्या अगर हम समझे, फिलहाल इन्होंने गाड़ी पे लगा लिया, ये वैध नहीं है, इन्होंने उल्लंघन किया रूल्स का और आगे कैब भी रखे हुए हैं जो कि पोस्टेड नहीं है। बिल्कुल उसके बावजूद तो देखिए सर फिर आपको क्या मतलब? मैं आप सर नोएडा से सटे मेरठ में भी वीआईपी कल्चर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यहां बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के स्टिकर लगे गाड़ियों का चालान किया गया, साथ ही गाड़ियों से हूटर हटाकर भी पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। जब जी न्यूज की टीम मेरठ पहुंची तो वहां एक कार ओनर अपनी गाड़ी पर पुलिस के स्टिकर लगाकर घूम रहा था। पुलिस ने जब उसे चालान के लिए रोका तो पुराने अंदाज में गाड़ी चालक फोन के जरिए अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करने लगा कि हम लोग मेरठ में हैं और यहाँ पर ये गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर पुलिस लिखा है और मेरठ पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद होकर गाड़ियों को रोक रही है और जो जवाबदेही है वो जवाबदेही लोगों से मांग रही है। ये आप देखिए गाड़ी के ऊपर जिस तरह से आप देखिए किस तरह से गाड़ी के ऊपर पुलिस लिखा हुआ है और सभी सिविल ड्रेस में हैं, सारे लोग हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब ये देखिए ये फ़ोन निकाला और फ़ोन पर बात करवाने की, वही वो जो एक क्लासिकल मोडस ऑपरेंडी है कि जैसे पुलिस पकड़ती है वैसे ये लीजिए फ़ोन पर बात कर लीजिए, यही इस तरह की स्थितियाँ लगातार आ भी रही हैं और लगातार जो पुलिस वाले भी हैं वो इस भीषण गर्मी में लगातार इस तरह की सघन चेकिंग अभियान को लगातार कर रहे हैं। कौन सा जुलम कर दिया इस पे हमने? ये कानून है भैया, हमारा जज आएगा उसकी उसमें लगी हुई थी सर्विस में। अच्छा भैया तुम्हारे जज हैं? हाँ। तुम्हारे भैया जज हैं, कुछ भी करो। नहीं कुछ भी था, मैं कोई वो हम कुछ जुर्म कर रहे हैं मियां जी। नाम क्या? कमाल ही कर रहे हो। नहीं नाम क्या, नाम तो बता दो ना भैया जज है, नाम बताओ जरा भैया का, क्या नाम है भैया का? नाम बताओ ना क्या भैया का? कुछ नहीं। नहीं बताओ ना भैया जज है, तुम्हारे क्या नाम है भैया का? ठीक है, और अगर भैया जज है ऐसे हरकत करोगे तुम तो इसमें क्या जुर्म कर दिया भैया? इसमें कानून पता है भारत का तुम्हें? कानून पता है बताओ। तो ये देखिए अब ये बता रहे हैं कि इनके भैया जज हैं, शक्ल इनकी देख लीजिए और जो भी इनके भैया जज हों जरा उनको भी एक बार जरा इनकी शक्ल दिखा दीजिएगा किस तरह से धौस झाड़ रहे हैं। मेरठ में पुलिस ने एक और शख्स को रोका जिसकी गाड़ी पर आर्मी का स्टिकर लगा था।
हमारी टीम ने जब उस शख्स से स्टिकर को लेकर सवाल किए तो उसने अपने पिताजी के आर्मी में होने की बात कही। फादर है, फादर आपके आर्मी में है, क्या आपको नियम पता है कि गाड़ी के ऊपर आर्मी नहीं लिख सकते हो? सर मुझे उसका देखो आइडिया नहीं है, पापा श्रीनगर में पोस्टेड है बॉर्डर पे, मुझे उससे कोई। तो पापा श्रीनगर, सुनिए तो, पापा श्रीनगर में है, आप तो मेरठ में हो, बताइए ना। तो ये देखिए, ये सरहा का, इन लोगों का इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर आर्मी लिखा हुआ है, पिताजी को बता रहे हैं कि वो श्रीनगर में पोस्टेड है, और ये देखिए इस तरह से का चालान हो रहा है, और इस तरह से आप देखिए भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे, बता दो आप। तो ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से लगातार जैसे पुलिसिया एक्शन हो रहा है तो लोग इस तरह से भाग रहे हैं। ये देख लीजिए, ये तस्वीर है यहाँ पर मेरठ में। पश्चिम यूपी के हापुड़ में निजी गाड़ियों में पुलिस और आर्मी का स्टिकर लगाने का चलन है, और अब सीएम योगी के आदेश के बाद ऐसी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। क्या आम, क्या खास, पुलिस कानून तोड़ने वाले सभी लोगों को रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लिहाजा पार्टी लगातार इसे लेकर एक्शन मोड में। और अब खबर यह है कि यूपी बीजेपी में 15 जुलाई के बाद ही संगठन में कोई बदलाव होना संभव है। केंद्रीय नेतृत्व आकलन करने के बाद ही उत्तर प्रदेश में बदलाव करने के मूड में है, रिपोर्ट आएगी और उसके बाद बीजेपी में बदलाव हो सकते हैं। और जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा गाज जिला अध्यक्षों पर गिरनी तय मानी जा रही है। संगठन बदलाव के मूड में है अब केंद्रीय नेतृत्व, जो उत्तर प्रदेश के नतीजे सामने आए हैं लोकसभा इलेक्शन के बाद, इसके बाद संगठन में बदलाव हो सकता है। 15 जुलाई के बाद ये बदलाव संभव माने जा रहे हैं और गाज गिर सकती है जिला अध्यक्षों पर। दरअसल इससे पहले जो मंथन मंत्रणा की गई, कई कमेटियां बनाई गई, बीजेपी की स्पेशलिटी जो टीम बनाई गई और उसने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि आपसी अंतरकला इस हार की सबसे बड़ी वजह बनी और इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था जिला अध्यक्षों के बीच में, नगर अध्यक्षों के बीच में, मंडल प्रमुखों के बीच में, जो पार्टी की होती है उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, सांसद और विधायकों के बीच में भी तालमेल की कमी थी, आपसी द्वंद्व था, आपसी विवाद था, अंतरकला था, वो हार की बड़ी वजह बनी। इसलिए बीजेपी 62 से इस बार के चुनाव में सिमट कर 33 में आ गई। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, लगातार उत्तर प्रदेश में हार का आकलन कर रही है बीजेपी और ये माना जा रहा है कि जब आकलन पूरा हो जाएगा तो बड़े बदलाव संभव 15 जुलाई के बाद। और देखिए, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार हार का आकलन कर रही है, इसीलिए अलग अलग तरीके से जो है समीक्षा की जा रही है और 25 जून तक ये माना जा रहा है कि जो समीक्षा की पूरी रिपोर्ट है, तीनों रिपोर्ट, वो प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंच जाएगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि दिल्ली में मंथन होगा और उसके बाद 15 जुलाई के बाद ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़े लेवल पर बदलाव किया जाएगा। ज्यादातर जिलाध्यक्षों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है क्योंकि जहां जहां से बीजेपी हारी है वहां पर जिलाध्यक्षों की भूमिका जो है वो सीधे तौर पर संदिग्ध पाई गई है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि लगातार भीतर घाटियों से बीजेपी परेशान रही है, आपसी विवाद सामने आया था, तो ऐसे में 15 जुलाई के बाद ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े पैमाने पर संगठन में बदलाव होगा। उसको लेकर विशाल सर, जिला अध्यक्षों पर ही गाज गिरेगी या फिर हम बड़े स्तर पर बदलाव देखेंगे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? नहीं देखिए, बिल्कुल जिला अध्यक्षों की तो बदलाव होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रदेश मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो युवा मोर्चा हो या अनुसूचित जाति हो, ओबीसी मोर्चा हो, इनके ऊपर भी गाज गिरेगी। प्रदेश पदाधिकारियों जिनकी जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी उनके ऊपर भी गाज गिरना तय है और ये भी बिल्कुल संभव माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में व्यापक बदलाव जब होंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरे बदलाव होंगे। ऐसे में अब हार की रिपोर्ट आने के बाद जब समीक्षा होगी तो ये माना जा सकता है कि उसके बाद बड़े पैमाने पर जो बीजेपी में बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। ठीक, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। Zee News.